In today's lecture, I will let you know about hard, soft, technical, life and professional skills. क्योंकि एमफिल लेवल पे ये कोर्स हमें सिखाया गया था, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, मास्टर लेवल पे भी सिखाया गया था। और मेरे चैनल का नाम भी है लर्निंग विद आबिद हुसैन। तो उसमें मैं दो तीन किस्म के लेक्चर अपलोड करता रहूँगा, एक एजुकेशनल लेवल पे, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के हवाले से, लेकिन ज़्यादातर जो मेरा फोकस है वो तमाम रिसर्चरों के लिए और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए तमाम किस्म के लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। और आप जो है ना इसको एंजॉय भी करते रहेंगे और लर्निंग भी करते रहेंगे, अपने फीडबैक से भी नवाजते रहेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है इसका नाम है हार्ड, सॉफ्ट, टेक्निकल, लाइफ एंड प्रोफेशनल स्किल। इंसान को जो है ये तमाम स्किल्स सीखनी चाहिए, जो चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो किसी प्रोफेशनल का हिस्सा है, चाहे वो टेक्निकल काम करता है, मतलब कि लाइफ के तमाम स्किल्स इंसान को आनी चाहिए। तो इन सब को कहते हैं सेट ऑफ स्किल्स। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स डेट कैन बी एक्वायर्ड। दीज स्किल्स आर करेक्टराइज अंडर सेट बेस्ड ऑन दियर नेचर। इन तमाम स्किल्स को सेट ऑफ स्किल्स कहते हैं। देर आर फाइव सेट्स ऑफ स्किल्स, पांच सेट है तमाम स्किल्स के। हैं चैनल 2014 में उन्होंने कहा हुआ है कि पांच स्किल्स है सेट्स के जो इंसान को सीखनी चाहिए। है हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स आर यूजुअली ऑब्टेंड थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एक्वायर्ड थ्रू कंप्लीटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन। हार्ड स्किल जो है ना सॉफ्ट स्किल्स के अपोजिट होते हैं और इसी को सीखने के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। और जब इसको कंप्लीट करें तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है और इसके लिए एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। DAE मिसाल के तौर पे आप करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आपका काम मशीनरियों के साथ है, तो उन स्किल्स को सीखने के लिए हार्ड स्किल्स कहलाए जाते हैं। एक है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स आर द स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड यूज स्पेसिफिक टूल्स एंड प्रोग्राम्स इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। टेक्निकल स्किल्स जिन लोगों को आते हैं तो अपने नॉलेज में स्पेशलाइज होते हैं और एक्सपर्ट कहलाते हैं। और टेक्निकल स्किल जो ना हर किसी की बस की बात नहीं है, और ये जो ना टूल्स की नॉलेज को भी कहते हैं और प्रोग्राम्स को भी कहते हैं, और आपके जो वर्ल्ड सिचुएशन आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में उन्हीं की मतलब पेश नज़र जो स्किल्स सिखाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, टेक्निकल स्किल्स। फिर है प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स आर कैरियर कॉम्पिटेंसीज एंड एबिलिटीज यूज्ड इन द वर्क प्लेस दैट आर बेनिफिशियल फॉर नियरली एनी जॉब। प्रोफेशनल स्किल्स आर अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल। प्रोफेशनल स्किल्स जिससे आप किसी प्रोफेशन में अपना नाम बनाना चाहते, मिसाल के तौर पे आप अकाउंटिंग का काम करते तो आपको अकाउंटिंग के जो स्किल्स है वो आपके प्रोफेशनल स्किल्स हैं। अगर आप HR मैनेजर है तो आपको जो है ना वो प्रोफेशनल स्किल लानी चाहिए। अगर आप लाइब्रेरी में तो आपको लाइब्रेरी प्रोफेशन की नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लॉयर है तो आपको लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, हत्ता कि किसी भी किस्म प्रोफेशनल में आपने जाना होता है तो इसके जो स्किल्स सिखाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स। और ये प्रोफेशनल स्किल्स में दोनों आ जाते हैं, हार्ड भी आ जाते हैं और सॉफ्ट स्किल दोनों आ जाते। फिर है जो चौथी सेट स्किल्स है वो है लाइफ स्किल्स। द टर्म लाइफ स्किल्स इज यूजुअली यूज्ड फॉर एनी ऑफ द स्किल्स नीडेड टू डील वेल एंड इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। लाइफ स्किल्स उन स्किल्स को कहते हैं जिससे आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती, और वो जो नीडेड स्किल्स होती है कि हाउ टू डील विद पीपल,
कि आप अपने आप को वेल इफेक्टिव कैसे दिखाएं, आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस करें, आप अपनी लाइफ में क्या रोनमाई लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो इन स्किल्स को क्या कहते हैं, लाइफ स्किल्स। जो आखिरी स्किल्स है वो है सॉफ्ट स्किल। सेट ऑफ स्किल्स में सॉफ्ट स्किल्स आर नॉन टेक्निकल स्किल दैट रिलेट टू हाउ यू वर्क। सॉफ्ट स्किल्स वो होती है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस पे मैंने पहले भी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ था कि आप लोगों के साथ डील कैसे करते हैं, उठना बैठना, आपकी मिजाज में नरमी हो, आपके बिहेव, हत्ता कि आपकी तमाम एक्टिविटीज जो वर्क प्लेस में होती है, बल्कि एक माशरे के तौर पे आप एक एज ए ह्यूमन जिंदगी गुजार रहे, आपके लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, बिहेवियर, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स जो है ना में शुमार किए जाते। दे इंक्लूड हाउ यू इंटरेक्ट विद कलीग्स, हाउ यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू मैनेज योर वर्क। सॉफ्ट स्किल्स में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते, अपने काम को कैसे मैनेज करते, आप अपने कलीग के साथ कैसे इंटरेक्शन करते, ये तमाम स्किल्स को क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए, एग्जांपल्स ऑफ सेट ऑफ स्किल्स। एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स क्या है, टीम वर्क, एबिलिटी टू रीड अ रूम, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गुड डिसीजन मेकिंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इनोवेशन, सोशल स्किल्स। ये तमाम स्किल्स क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट स्किल। अब एग्जांपल्स ऑफ हार्ड स्किल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉलेज, ग्राफिक डिज़ाइन, डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस लर्निंग एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि हार्ड स्किल्स में आते हैं, मैंने चंद नाम यहाँ पे इकट्ठे किए आपकी नॉलेज के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स, डेटा एनालिसिस है, वेब डिवेलपमेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बुक कीपिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, राइटिंग वगैरह, ये क्या है, टेक्निकल स्किल्स है जो कि हर किसी की बस की बात नहीं होती। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स के कौन से मिसाल है, एक्टिव लिसनिंग है, लीडरशिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ लाइफ स्किल्स के, लिटरेसी, आप पढ़े लिखे हो, सेल्फ केयर, अपनी सेहत का ख्याल रखना, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्रिएटिविटी, हत्ता कि वो तमाम स्किल जो आपकी ज़िंदगी में आप बरोए कार ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने फीडबैक से भी नवाजते रहे, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोगों के साथ शेयर भी करें और खुद भी इसको सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।